हेलो ब्रियन, नमस्कार, मैं हूं सराज। चलिए मैं आपको रेडी टू फ्लैट है 2BHK एंड 3BHK। 2BHK एंड 3BHK फ्लैट जो है भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे, इट इज अ 32-33 स्टोरेज टावर है, रेडी टू मूव फ्लैट है, लग्जरियस एमिनिटीज दिया हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डर है, इट इज अ टॉप बिल्डर इन द इंडिया के अंदर है, ऑलरेडी बहुत सारे पहचान थे। तो मैं आपको वो लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अभी फिलहाल माजीवाड़ा में खड़ा हूँ, जो माजीवाड़ा लोकेशन है यहाँ पे जो थाना में आता है, थाना से माजीवाड़ा से विदाउट ट्रैफिक का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो थाना टू ये जो नासिक हाईवे है उसका काम चालू है, 8 लेन का काम चालू है, तो वो ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पे शाम का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। तो मैं अभी आफ्टरनून को आया, तो मैं बोला चलो ट्रैफिक नहीं रहेगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक मैं बता रहा हूँ कि 20 मिनट में आप ड्राइव करके भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे पहुंच सकते हैं। थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, तो इसके वजह से थोड़ा सा मैं आपको ये पूरी बताया हूँ कि जो हाईवे है नासिक हाईवे वो रोड पे है, तो भिवंडी कल्याण बाईपास रोड वो लोकेशन पे आता है। एंड वहां पे प्रपोज मेट्रो भी आ रहा है, जो प्रपोज मेट्रो है आपको रंजुली गांव करके आएगा, मेट्रो 5 लाइन आ रही है, तो वो एक नियर बाय आ जाता है, कापुरवाड़ी टू भिवंडी, भिवंडी टू कल्याण के आसपास मेट्रो जा रही है। बहुत सारे मैंने वीडियो में बताया हूँ कि मेट्रो 5 लाइन कौन से आ रही है यहाँ पे, सो वो एक कनेक्ट है। बट बाय रोड में देखते है यहाँ से एक बार ये 8 लेन का रोड हो जाएगा, एटलीस्ट देखा जाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल में काम कम्प्लीट हो जाएगा। ये जो अभी नासिक हाईवे है तो उसके पहले हुआ था वेल एंड गुड, तो वो इजी पड़ जाएगा कनेक्टिविटी के लिए, बाय व्हीकल से जा रहे हैं तो बेस्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव, इन्होंने बहुत सारा अच्छा ऑफर रखा हुआ है, इतना ऑफर रखा हुआ है, तो आप लोगों को रेडी टू मूव में ऐसा कोई भी ऑफर नहीं देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये जो ऑफर रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, प्री लॉन्च में रहते हैं, हम इतना ऑफर दे रहे हैं, बट रेडी टू मूव में बहुत अच्छा आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं यहाँ पे। सो आपको मैं बता देता हूँ कि ऑफर क्या है, तो यहां से ऑफर बताने के बाद मैं आपको यहां से लेके चलता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 2BHK जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट कॉस्ट बता रहा हूं, फ्लैट कॉस्ट जो है 52.99 लाख, मतलब 53 लाख फ्लैट कॉस्ट है, इसमें प्लस टैक्सेस आ जाएंगे 2BHK का। और इसका जो कारपेट देखा जाएंगे ना आपको मैं बता देता हूं, मोटा मोटी कारपेट जो है 617 का है, रेरा कारपेट 617 से लेके 793 का है, मतलब 617 का जो कारपेट है 52.99 लाख प्लस टैक्सेज आ जाता है, ये 2BHK का है। 3BHK में आप देखते हैं तो 3BHK में आपको इसका जो प्राइसिंग है 74.99 लाख, मतलब 74.99 लाख में 3BHK आ जाता है, उसका जो कारपेट 852 कारपेट 968 का कारपेट दिया, ये रेरा कारपेट का है। तो ये 2BHK और 3BHK मतलब लैविश एंड लग्जरियस करके दिया हुआ है यहाँ पे फ्लैट्स का, जो अभी बहुत सारे रेडी टू मूव में फ्लैट, तो वो चीज आपको यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसका ऑफर जो रखा हुआ है, दो ऑफर रखा है, इसमें से दो चॉइस आप कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला आपको फुल्ली फर्निश्ड विद इलेक्ट्रॉनिक के साथ, मतलब 3 लाख रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो फ्लैट के अंदर पूरी फुल्ली फर्निश आ जाएगा इसके अंदर, या इसमें इलेक्ट्रॉनिक समाज और फुल्ली फर्निश जो आएगा आपको पूरा इसमें 3 लाख वाउचर मिल जाएगा, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आपको अभी फिलहाल 20% पेमेंट करना है, रेडी टू मूव फ्लैट में 20% पेमेंट करना है आपको, और आपका जो ईएमआई है जो आपका आफ्टर जनवरी 2024 के बाद, मतलब आफ्टर जनवरी 2024 के बाद आपको ये पे करना है यहाँ पे EMI जो है रेडी टू मूव में। आप अभी रेडी हो के आप 20% पेमेंट लेके पोजीशन लेके उसके बाद आपको जनवरी 2024 के बाद आपका EMI चालू होगा। वह ये दो ऑप्शंस रखे हुए ऑफर में, आपको चाहिए पूरा फुल्ली फर्निश विद इलेक्ट्रॉनिक साथ वो ले सकते हैं उसमें, और दूसरा ऑप्शन है जो ऑफर रखा है 20% अभी पेमेंट करना है, और आपका EMI जो है जनवरी 2024 के बाद आपका EMI स्टार्ट होगा। तो वो है एक ऑफर रखा हुआ है। तो ये ऑफर जानने के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मिस्टर फैयाज जी करके मिलेंगे आपको, पूरी ऑफर आपको बता देंगे। साइड विजिट करना है तो वही नंबर पे आप कॉल करिए, साइड विजिट के लिए आपको पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफर रेडी टू मूव है, सिर्फ लिमिटेड ऑफर, ये ऑफर आप लीजिए रेडी टू मूव में, क्योंकि ये जो जितने भी ऑफर मिलते हैं ना ये सब आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्री लॉन्च में मिलते हैं, बट ये आपको रेडी टू मूव में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ऑफर भी अच्छा मिल रहा है, रेडी टू मूव भी मिल रहा है फ्लैट,
तो ये नंबर पे आप कॉल करिए साइड विजिट के लिए। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, आपको लोकेशन बिल्डिंग का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि वहां से मेरे को दूसरी जगह मीटिंग में जाना था, तो मैं आपको बाहर से हाईवे से जो बिल्डिंग का व्यू है रेडी टू मूव में, और आप वो प्रोजेक्ट भी समझ जाएंगे कि वहां पे कौन सा प्रोजेक्ट है। वहां पे आपको लोकेशन पे लेके जाऊंगा, वहां पे लोकेशन में लेके जाके मैं आपको बताऊंगा, और जो बारिश के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो वो चीज आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक इंदा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करिए। चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ लोकेशन पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों को रोड तो दिखा दिया, अभी माजीवाड़ा से तो मैं बोला था 20 मिनट्स ड्राइव करके यहाँ पे आता हूँ, बट यहाँ पे कैसा है कि रोड का बहुत काम चालू है, एंड उसके वजह से एक्चुअली ट्रैफिक हो गई, मुझे ट्रैफिक लग चुका, इसलिए स्लो आना पड़ा मुझे। तो देखा जाएंगे टाइमिंग में बता दो, वहां से मैंने देखा जाएगा तो मैं 3:20 को निकला, वहां से 3:20 से होके एक्चुअली 20 मिनट है, 20 से 25 मिनट ड्राइव करके है, बट रीजन ऐसा है कि ये रोड के काम के वजह से ना बहुत सारे ट्रैफिक होने लगे, और मुझे लग गया इट इज 50 मिनट लग गया, मतलब जो 20-25 मिनट में आना चाहिए था 50 से 55 मिनट में यहाँ पे मुझे टाइमिंग लग गया यहाँ तक। अभी बाईपास पर मैं पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे उतर के मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया था, और जो प्रोजेक्ट का नाम जो है आपको टाटा हाउसिंग का है, तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा टाटा हाउसिंग का। तो ये ऑफर मैंने बताया था कि ये बहुत सारे ऐसे ऑफर्स दिए हुए हैं, तो रेडी टू मूव में फ्लैट है। अभी जो ट्रैफिक रीजन ऐसा है कि यहाँ पे बाईपास रोड अपर थाने मानकुली ये लोकेशन पे कैसे है कि लोग रहने को आ चुके हैं, जो लोग रहने को आ चुके हैं कुछ बिल्डिंग का पोजीशन हो चुका, सो अभी कैसे गाड़ी जो व्हीकल्स थी बहुत बढ़ चुका है। मैं आपको 5 साल पहले के बता रहे थे उतना ट्रैफिक नहीं लग रहा था, ऊपर से ये जो रोड का काम स्टार्ट हो चुका, और दूसरा ये है कि आपको यहाँ से जो लोग मतलब जो भिवंडी सिटी भिवंडी कल्याण बाईपास रोड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो डिलीवरी हो चुके थे, पोजीशन हो चुका था, तो उसके जो लोग जो रहने को आगे गाड़ी व्हीकल्स ज्यादा हो चुका है। कल्याण साइड में कुछ खड़कपाड़ा कोनगांव ये साइड में भी प्रोजेक्ट बहुत सारे कंप्लीट हो चुके थे, तो उसमें लोग रहने को आए थे, इसलिए गाड़ी व्हीकल्स ज्यादा हो गए, और दूसरा ये है कि हैवी व्हीकल्स ज्यादा हो चुका है यहाँ पे,
लॉकडाउन के बाद से पूरा हैवी व्हीकल्स जितने भी थे सब निकलने लगे यहाँ पे, मतलब जो कमर्शियल है कुछ हाईवे पे, नासिक हाईवे पे, तो नासिक साइड जाने के लिए या फिर मुंबई साइड या ये साइड में आने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये ट्रैफिक के वो रीजंस है, और एक बार रोड है ना लेन 8 लेन का हो गया ना, तो आपको जो ट्रैफिक है तो नहीं लगेगा। अभी इसमें ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक है तो बीच में रोड में ही क्रॉसिंग है, मतलब बीच के बीचों बीच रोड में ना क्रॉसिंग है, जिधर जो आजू बाजू राइट साइड लेफ्ट साइड में नासिक हाईवे में देखेंगे थाना से भिवंडी कल्याण बाईपास रोड पे या फिर भिवंडी कल्याण बाईपास थाने के बीच में देखा जाएगा तो कम से कम है ना 4 से 5 ऐसे क्रॉसिंग है बीच में। तो वहां पे गांव जो गांव है आजू बाजू तो उसके गाड़ी आने जाने उधर रुका देते, और इतनी गाड़ी जाते आते रहे, अभी नासिक से भी आते हैं बहुत सारे, यहाँ पे भिवंडी से गाड़ी आते हैं, तो बहुत सारे गाड़ी आते हैं। मुंबई साइड में आना तो यही रोड है नासिक हाईवे का, तो इसलिए जो क्रॉसिंग है उस पर रुक जाते हैं गाड़ी, वो एक है। ब्रिज का कुछ काम चालू है कहीं कहीं पे, जो रोड का लेन का काम चालू है, सो ये सब चीज में ट्रैफिक के वजह से है। तो मुझे 50 मिनट लगा आने के लिए, थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो था इसके वजह से धीरे 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 मैंने आया, और मैंने आपको पूरा वीडियो भी बताया कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखा होगा आपने कि वहां पे सब चीज काम चालू है, भरनी चालू है, लेवल का काम चालू है। अभी यहाँ पे देखा जाएंगे ना तो ब्रिज जो आने वाले जो रोड पे जो ब्रिज है, तो कम से कम एक दो तीन चार पांच ब्रिज लगेंगे, क्योंकि इसमें एक रेलवे लाइन है, दो खाड़ी के ब्रिज है, तीन खाड़ी के ब्रिज है, एक दो बड़े ब्रिज है और एक छोटे ब्रिज है खाड़ी के जो है, और नॉर्मली एक हाइट में है क्योंकि अप डाउन रोड है, ऊपर नीचे रोड है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है लेवल करने के लिए या फिर उसको रोड मैनेज करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे खड्डे से उसको भरनी करना पड़ रहे है, तो ये सब चीज रोड के वजह से ट्रैफिक हो रही है। तो ये चीज मैंने आपको ट्रैफिक के बारे में पूरी क्लियर बता दिया। सो कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा हुआ है, और जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है तो आप वो प्रोजेक्ट के बारे में आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के मैं आपको बताया ये सब चीज ट्रैफिक के बारे में, और चीज अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। चलिए मैं अभी उतरता हूँ गाड़ी से, थोड़ा हाईवे पे ही है, और इसका मैं पहले वीडियो सैंपल फ्लैट था 2 BHK 3 BHK का, वो फ्लैट का वीडियो मैं बनाया था, सो उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी देख सकते हो जो 2 BHK और 3 BHK का जो सैंपल फ्लैट है उसके अंदर, आई थिंक सो 2 या 3 जो लिंक मेरे का, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है मैंने 2 BHK बनाया 3 BHK, क्योंकि वो बहुत 2 महीने या 3 महीने पहले बनाया था वीडियो। सो अभी मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको पूरी दिखा देता हूँ यहाँ पे डिटेल। चलिए मैं आपको बाहर की तरफ, अभी देखिए मैं यहाँ पे आ चुका है लोकेशन, ये जो बाईपास रोड है यहाँ पे बाईपास रोड है ब्रिज लग रहा है यहाँ पे, और एग्जैक्टली मैं हाईवे पे खड़ा हूँ यहाँ पे, आपको मैं हाईवे दिखा देता हूँ यहाँ से। ये जो रोड है यहाँ से थाना से आने के लिए रोड है, और इस तरफ आते हैं ये बाईपास रोड है, ये पूरा बाईपास रोड है यहाँ पे। एग्जैक्टली मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये देखिए ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये टाटा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये टाटा हाउसिंग का है पूरा प्रोजेक्ट, मैं आपको बताया पूरा डिटेल्स, ये प्रोजेक्ट है। इसलिए यहाँ से अंदर से जाके आपको राइट मारना पड़ेगा वहाँ से। सो एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी 2 मीटिंग है मेरे को, मुझे बदलापुर और अमरनाथ जाना है, तो इसके वजह से मैं आपको बाहर के साइड में आपको मैं पूरा चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डिटेल्स तो मैंने पूरी बता दिया, अभी मैं आपको लोकेशन बता दिया, प्रोजेक्ट का नाम बता दिया, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। अभी यहाँ पे मैं आपको गाड़ी में बैठ के बता दूँ, क्योंकि आवाज़ थोड़ा कम आएगी यहाँ पे। इधर रीज़न क्या था नहीं लेने का कुछ लोगों का प्रॉपर्टीज़ की, चलिए मैं अभी गाड़ी में अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ, ये अपना प्रोजेक्ट है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ लोगों को टाटा हाउसिंग के बारे में मैं बता रहा था कि कुछ लोगों की इंक्वायरी थी, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के भी यहाँ पे टाटा हाउसिंग के, बट कुछ लोगों का ऐसे डाउट था कि ये थी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे 2 साल पहले या एक्चुअली यहाँ पे पानी भर चुका हुआ था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा कैसा नीचे लेवल के तरफ से आ चुका था, तो उस टाइम कैसा है कि थोड़ा कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, तो बहुत सारे वायरल वीडियो हुए थे कि टाटा हाउसिंग में फर्स्ट फ्लोर तक पानी, पोडियम में और कार पार्किंग में पूरा पानी भर गया था। सो वो रीजन मुझे एक्चुअली बिल्डर के तरफ से मिला, जब भी हम लोग की मीटिंग थी तो उस टाइम मुझे डिटेल्स मिला एक्चुअली यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी देखिए ये जो है ना ये जो मतलब जो ये है जो डैम को लगता है जो पानी नहीं आने के लिए, उसके लिए एक गेट रहे, तो यहाँ पे कैसा है कि जितने भी चारों साइड से जो गेट है जिधर से पानी आ रहे थे बारिश के टाइम के जो फ्लोड हुआ था,
तो फ्लोर में अभी ये सब चीज है ना, ये गेट लगाए हुए हैं, तो मतलब ये जो गेट है ना पूरे जो बड़े बड़े डैम पे, वो डैम के लिए लगते हैं, डैम पे लगा के वो फिर छोड़ते हैं, डैम पूरा भर जाता है तो उसके लिए छोड़ते हैं, तो अभी ये जो पूरा ये गेट पे सब लगा के रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज किया। जितने भी गेट है ना टाटा प्रोजेक्ट में जाने आने के लिए, वहां पे सब में यहाँ पे गेट लगा, मतलब कभी अचानक फ्लोड आ चुका हुआ है, मतलब अचानक फ्लोड आया, बारिश जोर से गिरे और फ्लोड अंदर पानी घुसना चाहिए, तो ये पूरा लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ये डोर पूरा लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के बाद है ना पूरी पानी अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये एक ऑप्शन रखे हुए हैं, इन केस नीचे से मतलब ग्राउंड लेवल से पानी आते हैं, तो जो यहाँ पे जो सिस्टम जो उन्होंने रखा हुआ है टाटा हाउसिंग की तरफ से, तो उन्होंने बहुत सारे 5 से 6 ऐसे पंप लगा कर, इनकेस कभी अचानक हो जाता है कि भी नीचे ग्राउंड लेवल से मतलब बेसमेंट के लेवल से पानी आ जाता है ऊपर बुलबुला करके, ऐसा बुलबुल करके कभी कभी आता है पानी नीचे अंडरग्राउंड से, तो वो वहां पे कैसे 4 से 5 ऐसे पंप लगाए तो बाहर निकालने के लिए। तो ये रीजन था कि पानी वहां पे भरता है तो लोगों का निगेटिव पॉइंट्स हो चुका और लोग वहां पे नहीं ले पा रहे थे, नहीं नहीं मुझे टाटा में नहीं चाहिए, वैसा पानी भरता है। बट एक्जैक्टली जब हमारी मीटिंग हुई, जब मैंने डिस्कस किया मतलब पर्सनली जो हमारे जो सेल्स टीम थी वहां पे, तो उनके जो मेन हेड थे उन्होंने सब चीज मुझे बताया समझाया कि ऐसे ऐसे ये रीजन में यहाँ पे हम लोग ने ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया, ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है, तो पूरे चाइज में इनकेस फ्लोड होता है तो ये पूरी गेट्स बंद हो जाएगी और पूरे फ्लोड्स नहीं आएगा, अंदर पानी नहीं आ पाएगा, तो ये सब पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है, तो ये सब चीज है यहाँ पे। सो चीज पूरी वीडियो में आपको समझ में आया होगा, तो मुझे मेरा नंबर पर्सनली नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है और जो स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो आपको साइड विजिट के लिए या इंक्वायरी चाहिए तो आप उनको कॉल करिए साइड विजिट के लिए। इसमें मेरा कोई भी कैसा है कि ब्रोकर और ब्रोकेज नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रोकर और ब्रोकेज नहीं, यहाँ पे आप फ्लैट लेते हैं टाटा हाउसिंग में तो एक मेरे को पे आउट मिलेगा जो कुछ कमीशन बेस बोलता है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कमीशन बेस मिलता है और आप रेफरेंस के थ्रू मेरे रेफरेंस थ्रू आते हैं, हम उनको देते हैं, कोऑर्डिनेट सब उनका ही रहेगा, आपसे कोई ब्रोकरेज कोई लेने वाला नहीं है, कोऑर्डिनेट वो ही रहेंगे, बिल्डर भी वो रहेंगे, पेमेंट भी उनको ही देना है, कुछ नहीं उसमें, तो पेमेंट जो देना है आपको उनको ही देना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है आपको। सो आप लोगों को यही मैं चीज मैं आपको बताया इस वीडियो में, सो वीडियो आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आया होगा तो मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, कुछ क्यूरी रहेगा या फिर कुछ डाउट रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।